जंगल्स, गार्डन्स और कुछ ब्यूटीफुल नज़ारों को पीछे छोड़ते हुए हम आ गए थे वही होम स्टे में जहाँ हम पहले से ही रुक रहे थे। कुछ स्नैक्स के बाद हमने डिनर कर लिया और दिस लिटिल गाय वाज आस्किंग फॉर फूड एंड वाज सो क्यूट। और इसी के साथ ख़त्म हो चुका था हमारा पहला दिन और हम चल पड़े दूसरे दिन की तैयारी करने। ठंड तो थी बहुत वहाँ पर, मगर फिर से सुबह उठ के मैं चला गया चांद के नज़ारे देखने। पहला दिन सनराइज़ का व्यू अच्छा था, पर अब बारी थी चांद की। अगेन कंचनजंगा वॉज लुकिंग सो मच ऑसम, देन आई कैप्चर्ड अ ब्यूटीफुल व्यू, जस्ट चेक दैट आउट। दवाई पानी में हमारा आखिरी दिन था और इस होमस्टे को छोड़ के हम चले गए उस दिन के हमारे पहला स्पॉट विजिट करने, जो कि था एक मॉनेस्ट्री। तो हमारे नेक्स्ट डे स्टार्ट होच्छे ये मॉनेस्ट्री का, देखे मॉनेस्ट्री होम स्टेशन ठीक पड़े ही पड़े। और এখানে আমি আগেও এসেছি অনেক ছোটবেলায়, ঠিক এই গেটটার কথা মনে আছে, এখানে একটা পাখি বসেছিল, সেই পাখিটার ছবিটা পুরো তুলতে পারিনি, আই হোপ এখন পুরো দেখা যাবে। আর একটু পরেই আমরা ঢুকে যাব ভিতরে আর পরপর পুরো দৃশ্যগুলো দেখিয়ে দেবো। তো দার্জিলিং কে ঘুম স্টেশন কে পাস ই থা ইয়ে মনেস্ট্রি, ইয়াহ পর পহলে ভি মে আ চুকা হু জব মে দার্জিলিং মে পহলি বার আয়া থা। সিঁড়িও সে উতরতে হুয়ে মেনে নোটিস কিয়া কে নিচে বহুত হি লোগ হ্যায়, और थोड़ी ही देर बाद अंदर जाते हुए मैंने देखा एक विशालकाय बौद्ध मूर्ति। उसके बाद ही हम पहुंच गए टॉय ट्रेन देखने बताशिया लूप में। तो मैं जब वहां पहुंचा तो नज़ारे ऐसे थे कि क्या बताऊं। उस जगह ट्रेन लाइन एक लूप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था और चारों तरफ लोग ही लोग थे। दार्जिलिंग में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, वो है ट्रेन की ये आवाज़। तो जाना था हमें वहाँ पर एक ज़ू पर 4 बज चुके थे, सो द ज़ू वॉज क्लोज्ड एंड वी मिस्ड इट। पर फिर मैं चला गया रोपवे राइड लेने एंड क्लाइंबिंग ऑन द स्टेप्स वर रियली चैलेंजिंग। अनेकटा उँचू उपरे और এখানে 4টার সময় টিকিট কাউন্টার বন্ধ হয়, কিন্তু তার আগেই বন্ধ হয়ে গেছে আনফরচুনেটলি। द रोपवे इज कॉल्ड दार्जिलिंग रंगीत वैली पैसेंजर रोपवे, जो कि था लगभग 400 फीट के ऊंचाई में और 450 फीट के, आई डोंट नो, मगर अनफॉर्चुनेटली ऑल टिकट्स वर सोल्ड एंड वी मिस दैट टू।
वहाँ पर पास में ही था सेंट जोसेफ स्कूल नॉर्थ पॉइंट. दैट वॉज अ पॉपुलर स्कूल बिकॉज यारिया मूवी का शूटिंग भी वहीं पर हुआ था और मैं हूँ ना मूवी तो सबने देखा ही होगा. फिर एकदम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम निकल पड़े एक टी गार्डन की तरफ ऑर्गेनिक टी लेने. चाय का एक सिप लेने के बाद आई वॉज शॉक्ड. वो इतना अच्छा था कि मैंने एक और बार चाय मंगाया और दैट वॉज ऑल्सो गुड. तो वो वाला चाय था दार्जिलिंग मसाला टी और भी कई सारे थे वहाँ पर, जैसे कि रोज़ टी, खेमोमाइल टी, ऑर्गेनिक दार्जिलिंग टी, ऐसे ही कई सारे. दिन ढलने में कुछ ही टाइम बाकी था और वहाँ से कुछ दूर हम पहुँच गए दार्जिलिंग मॉल मार्केट में. सो एवरी वन नोज अबाउट दैट मार्केट मोर और लेस एंड वी वर जस्ट देयर सीइंग द वेव ऑफ क्राउड. करने के लिए बहुत सी चीज़ें थी पर वक्त हमारे पास बहुत ही कम था, लेकिन कैसे भी करके एडजस्ट करके मैं चला गया एक इंटरेस्टिंग सी जगह में. वो था द ग्लेनर्स बेकरी. এখানে কিন্তু গেল হয়ে থাকো স্পেশাল ক্রিম রোল গেল. এই তিনটে খেলে আমার মনে হয় পেট ভরে গেল. সো মার্কেট কে থোড়ি হি দূর एक मंदिर पड़ता है, नाम है महाकाल मंदिर. और वहाँ जाने के लिए मार्केट से थोड़ी सी दूर जाके थोड़ा चढ़ाई करना पड़ता है, बट दैट्स वर्थ इट. अंधेरा हो चुका था पूरा और उतनी ऊंचाई से वो मार्केट भी पूरा दिख रहा था. वहाँ से हमारा नेक्स्ट लोकेशन था लेपचाजागत. वहाँ पर एक होम स्टे पहले से ही बुक किया हुआ था. वहाँ पहुँचते तो काफ़ी ही देर हो गई थी. पूरा दिन घूमने के बाद आई वॉज सो मच टायर्ड. रूम से बाहर मैं वहाँ के नज़ारे देखने निकल गया और वहाँ सुनाई दे रहा था मुझे जैसे कि कोई गाना गा रहा हो. जाए ना ओ रे पिया रे, जी
যায় না যায় না যায় না।